और चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है और मंदिरों में कृष्ण की जयकारी गूंज रहे हैं। गीतों में माहौल भक्तिमय हो गया है। बता दें कि मंदिरों चौराहों में राधा कृष्ण, राम दरबार, लड्डू गोपाल आदि की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। देर रात तक मंदिरों में पूजा पाठ चलता रहा और पूरा शहर भक्तिमय हो गया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, राम मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, मुखानी प्राचीन शिव मंदिर, बेल बाबा आदि मंदिरों में भव्य आयोजन किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बेटी है ऋत्वी जोशी, आज हम इसको राधा कृष्ण जन्मोत्सव के महोत्सव में राधा बना के लाए हैं। मेरा नाम कुमुद पलड़िया है और मैं यहाँ पे राधा बन के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली अपने कान्हा जी के लिए सजी हुई हूँ और मैंने सबसे पहले इनको ही देखा था तैयार होके। जन्माष्टमी हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें हम बच्चों को लेकर के कृष्ण जी के रूप में उनको मनाते हैं। पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और त्रिमूर्ति देवी मंदिर में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वैसे ही हर मंदिरों में धूमधाम है। और हमारा तीन मूर्ति मंदिर परिसर है, तीन मूर्ति मंदिर परिसर में हम लगातार गत वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ पर हम छोटे मोटे जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे, उनको राधा कृष्ण बनाते हैं। तीन मूर्ति मंदिर है यहाँ पर, इसका इस जगह का नाम ही तीन मूर्ति के नाम से लोग जानते हैं। और हर साल यहाँ पर 8 बजे कृष्ण बन के माँ बाप अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में बनाकर यहाँ लाते हैं और दर्जनों बच्चे यहाँ पर बड़े शान से यहाँ झांकियाँ बनाते हैं। और ऐसा उत्सव हर साल ये उत्सव माना जाता है जन्माष्टमी का, लेकिन आज कुछ विशेष लग रहा है मुझे तो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भगवान की झांकी निकाली गई है।